राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज मैं पुरानी ए लाइन कुर्ती से का दो बहुत ही अच्छे आइडिया बताती हूँ कि पुरानी दो ए लाइन वाली जो कुर्तियाँ हमारे पास रह जाती हैं और पुरानी हो जाती हैं तो पहनने की इच्छा भी नहीं करती है, तो आज मैं उसके साथ बहुत अच्छे आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास एक चावल की बोरी थी और पुरानी ए लाइन की कुर्ती को हम गले के पास से बाजू के पास से काट के निकाल देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा घेरा वाला रहता है। तो इस बहुत ही इजी है, ना कोई ज़्यादा कुछ करना है, बस इसके अंदर मैंने बोरी को डाली और इसको चारों तरफ से अच्छे से बोरी के साथ अटैच करके सिलाई मार दी और इसे सपोर्ट के लिए अंदर में मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े थे तो वो मैंने अंदर में इसको रख दिए और ये देखिए बहुत जल्दी झटपट और बहुत ही सुंदर ये एक ऑर्गेनाइज़र जैसे बन गया है। आप इसे कपड़े रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और या तो बच्चों के स्टडी रूम में भी रख सकती हैं कि ये डस्टबिन का भी काम करेगा। तो मैं इस तरह से बहुत जल्दी बन जाती है और ए लाइन की कुर्ती रहने की वजह से क्या होता है कि घेरा है इसमें तो वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इसे लॉन्ड्री बैग की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो लॉन्ड्री बैग की तरह भी यूज़ कर ले सकते हैं। तो ये हुआ झटपट बनने वाली पहली टिप कि हम ए लाइन की कुर्ती को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। और चलिए तो अब दूसरी टिप्स की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास एक पुरानी नाइटी थी तो मैंने वो नाइटी को गले के पास से बाजू के पास से नाइटी को कट करके निकाल दिया और उसके एक साइड को मैंने अच्छे से जिस साइड से को मैंने कट किया था उधर अच्छे से उसको डोरी बांध कर और उसको पलट दी। पलटने के बाद बहुत हर घर में पता नहीं कहाँ से इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ रखूँ कैसे रखूँ। तो बस मैंने पलट दी, उसके बाद नाइटी में भी घेरा काफ़ी रहता है तो उसको मैंने उसमें सारे कपड़े जितने भी यूज़ नहीं करने वाले कपड़े थे वो मैंने उसमें डाल दी और अच्छे से दबा दबा के डाली ताकि वो बैठने पे एकदम ना पिचक ना जाए। तो ये मैं फ्लोरिंग सोफ़ा बना रही थी तो इसमें मैंने सारे कपड़े डाल दिए। उसके बाद उसके ऊपर को भी मैंने एक अच्छे से टाइट नॉट लगा करके और उसे बंद कर दिया। अब एक दूसरी ए लाइन की कुर्ती मेरे पास थी तो उसे भी मैंने कमर के पास से उसे कट करके और ऊपर के भाग को हटा दी और नीचे के भाग को मैंने फोल्ड करके और उसमें भी एक नॉट लगा दी। नॉट लगाने के बाद उसे पलट दी, उल्टे साइड से नॉट लगाई और फिर उसे पलट दी। पलटने के बाद मैं उसी से वो फ्लोरिंग सोफ़ा को पूरा कवर कर दी और कवर करने के बाद जो बाकी हिस्से थे उसे मैंने नीचे अच्छे से दबा दिया। तो ये झटपट से न ज़्यादा कोई मेहनत है ना कोई सिलाई मशीन की ज़रूरत है, कुछ नहीं, बस फटाफट ये तैयार हो गया और जो देखने में बहुत सुंदर है और बालकनी में जैसे रखना है तो बालकनी में भी आप या बच्चों के रूम में भी इसे रख सकती हैं। तो देखिए दो ए लाइन की कुर्ती से मैंने झटपट में एक ऑर्गेनाइज़र और एक फ्लोरिंग सोफ़ा बना दिया। तो अगर अच्छी लगी मेरी टिप्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी मेरी आइडियाज़। तो देखिए दोनों मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया